हाँ द बीएसएफ आई कंडेम एनी एक्ट विच हैज किल्ड आ ऑनरेबल जवान बी एट बीएसएफ बी एट टीएसआर बी एट द आर्मी बी एट सीआरपीएफ एनीबडी हु इज सर्विंग द कंट्री एंड इफ ही हैज उनका शहीद हुआ है आई कंडेम इट एंड एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट पीपल हुएवर इट इज फॉर किलिंग अ पर्सन हु इज डिफेंडिंग द बॉर्डर ऑफ हिज कंट्री वी लव आर कंट्री वी सपोर्ट आर आर्म फोर्सेज एंड वी हैव ऑलवेज सेड मैं आपको और एक बात बोलता हूँ एज आई एम गिविंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर में फेसबुक में निकालने वाला हूँ सिमना में आज और कल रात हमारे एमएलए ब्रिशुकेतु देव वर्मा और हमारे तिपरा मोथा के वॉरियर्स ने ऑलमोस्ट 6 to 7 बांग्लादेशीज को अप्रीहेंड किया है वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे सिमना में अभी भी वो पुलिस स्टेशन में है मैं इसका वीडियो रिलीज करूंगा थोड़ी देर के बाद आप बॉर्डर्स को क्यों खुला रख रहे कुछ कुछ जगह में आपने सील किया है और कुछ कुछ जगह में आपने बॉर्डर को क्यों खुला रखा है वहां से कौन आ रहा है वो हिंदू है मुसलमान है इंडियन है बांग्लादेशी है कौन है ड्रग स्मगलर है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोलते हैं कि हम देश की सुरक्षा कर रहे हैं उस एरिया को हमेशा खुला क्यों छोड़ा जाता है जहां से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है जहां से ड्रग्स आया जाता है जहां से घुसपैठिया आया जाता है ये सब वोट बैंक का पॉलिटिक्स है आज मैं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इसके लिए डिमांड कर रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको सुरक्षित नहीं रखा है हमारा बाउंड्री को आपने सील भी नहीं किया और आपने सील नहीं किया तो इससे नुकसान किसका हो रहा है हमारा देश का हो रहा है और हमारा स्टेट का हो रहा है सिमला में हुआ है वी विल पुट अप द वीडियो वेरी सून एज आई स्पीक अभी जैसा मैं बात कर रहा हूं जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है वो सिमला के पुलिस थाने में है हमारे एमएलए ने अप्रीहेंड किया है हमारे त्रिपुरा वॉरियर्स ने अप्रीहेंड किया है लोकल पीपल ने अप्रीहेंड किया है आप ये बात मालूम कीजिए कि कैसे आज के दिन 2022 में हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये लोग आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं हाउ आर दे पॉसिबल हाउ इज इट पॉसिबल आप ये मालूम कीजिए और अगर नहीं है तो मैं वीडियो भी रिलीज कर देता हूँ थोड़ी देर के बाद माय एमएलए राइट नाउ इज इन द पुलिस स्टेशन इन लोगों को पकड़ के इनको वापस भेजने के लिए या जेल में रखने के लिए